नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोमा क्रिस तारा कृष्ण शर्मा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रोमा। जी आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात, तो हमें कॉल कर सकते हैं बताए गए हुए टोल फ्री नंबर पर। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, शनि की दृष्टि से यदि विद्यार्थियों के ऊपर क्या पड़ता है असर, उसके लिए क्या करना चाहिए, खास उपाय बताएंगे। मगर पहले बात करते हैं राशियों के अनुसार आज का दिन आपका ये कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए बताते हैं कि आज का दिन क्या कहता है। आज के लिए आपका दिन ये कहता है कि आज जो है धैर्य रखें तो अच्छा रहेगा, अपने अहम को नियंत्रण में रखें वरना कलह होने की आशंका है। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है आज आप शिवालय में काले तिल काले कपड़े में रखकर 6 अगरबत्तियों के साथ पे जाकर रख के आइए, 6 अगरबत्ती जला के आइए। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, कहता है किसी के बहकावे में आने से अच्छा है कि सब कुछ सोच समझ लें। आज का उपाय यह है कि आज जो है सफेद झंडे पे आपने काजल से तिलक करना है, करने के बाद या शम लिख दीजिए और शनिदेव के मंदिर में जाके लगा के आना बेहतर हो जाता है। हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों, आपके लिए आज का दिन क्या कहता है, कहता है कि आज दिल से ज्यादा दिमाग पर भरोसा रखें और साथ ही वाहन खरीदने का मन बन सकता है। करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है शनि मंदिर में जाकर, और साथ ही या पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर बस हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आज का दिन आपके बेहतर बन सकता है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, कहता यह है कि अपने अधूरे काम निपटाने के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। आज आपको क्या करना है, आज दूध ना पिए, किसी गरीब को आज के दिन तेल दान करना अति उत्तम होता है। ऊपर से उसाल लीजिएगा फिर दीजिएगा। सिंह राशि वालों, आपके लिए आज का दिन ये कहता है अपने आदर्शों का साथ ना छोड़ें, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आप जो है कर ही लेंगे, अगर मुश्किल होगा तो उसका समस्या भी आप हल कर लेंगे। साथ ही उपाय क्या करना है, आज ये करना है आज आप काले वस्त्र में उड़द की दाल और काले वस्त्र का इनका जो है परहेज जितना कर सकते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि ये आपके लिए अनुकूल नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, आज का दिन ये कहता है आज के दिन थोड़ा सतर्क रहिए, नई योजना पर सोच समझकर काम करना बेहद उत्तम है, और उपाय ये करना है आज खिचड़ी का दान करें, साथ ही मिश्री खाएं और खिचड़ी का दान करें, नहीं कभी मिले तो शिवलिंग पे जाकर छोड़ के हमारे कॉलर का सिलसिला भी जारी है। हेलो ईश्वर जी, स्वागत है आपका। हेलो, जय महादेव। जय महादेव जी, बताइए सबसे पहले जन्म तिथि जन्म समय। 1958 1958 और समय बताइए। समय तो याद नहीं है जी। दिन का है या रात का? ये दिन का, सुबह का टाइम का जी। सवाल पूछिए। सवाल ये है जी, मेरी स्वास्थ्य जो है कई साल से खराब चल रहा है जी, और स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा जी। अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। स्वास्थ्य के लिए? हाँ जी स्वास्थ्य के लिए एक चीज मैं बता दें, आपके यहाँ पर जो हमने कुंडली तैयार की है उसमें यहाँ मंगल नीचस्थ होके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और साथ ही यहाँ पर शनि भी, दोनों ही चीजें यहाँ ऐसा स्वास्थ्य के ऊपर जो असर दिखाई दे रहा है वो क्या है, कभी कभी ऐसे भी जो है चांसेस बना देता है जो ऑपरेशन वगैरह भी करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे जो है शनि जब नीचस्थ होके बैठा, मंगल नीचस्थ होके, मंगल कहाँ बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है कर्क राशि में होकर, तो ऐसे में यहाँ पर आपके लिए जो उपाय है, एक तो जो है काले रंग के वस्त्र आपने जो है उसमें क्या करना है, आपने मसूर की वो होती है काले उड़द की दाल होती है वो रखना है, उसके बाद काले तिल रखना है, इसको जो है अपने सिराने शुक्रवार के दिन रखना है, या फिर अगर नहीं रख सकते तो शनिवार के दिन अपने ऊपर से उल्टा उतारना है, उसको बहते हुए जल में फिकवाना है, और साथ ही अपने शरीर में सरसों का तेल लगाने के बाद उसको सफेद रंग के कपड़े से आपने पोंछना है, पोंछने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ तक छाया जाती है वहां जाके उसको दबा देना है। मंगल के लिए उपाय ये करना है कि मंगल के लिए आपके हाथ से मसूर की दाल जो होती है
उसारने के बाद किसी भी सफाई कर्मचारी को देना है या फिर तांबे के लोटे में डालकर किसी भी शिवलिंग पे जाकर छोड़ के आना है। ये मंगल का उपाय करना है। लाल रंग के वस्त्र और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। घर में बेड शीट भी है वो भी हटा दीजिए, अन्यथा जो है आपके स्वास्थ्य पर इसी तरीके से खराब असर दिखाई देगा और भी जो है आपको हानि पहुंच सकती है। तो ये उपाय करिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, हेलो, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार। क्या कहते हैं, मुझे अपने बेटी के बारे में पूछना था मैम। बेटी की जन्म तिथि, जन्म समय? 16 अगस्त है और 1994 16 अगस्त दिन मंगलवार 3:50 दिन का है। ये दिन का है, दोपहर का जी। क्या पूछना चाहती है बेटी के लिए? ये पूछना चाहती है मैम, देखो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, बहुत परेशान हो रही है, कई जगह फॉर्म डालती रहती है और MSc कर ली है उसने और सोच रही है कि मतलब जॉब के लिए बिल्कुल नहीं हो पा रही, काम नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब के लिए आज जैसे बात की है, गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर एक चीज जो है इसको जो है बोलिएगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई तो कर रही है, यहाँ पे दशम भाव में शुक्र की राशि संचार कर रही है, मगर शुक्र इसके लिए प्रभावशाली नहीं है। उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो बातचीत होते होते अगर ऐसा लगता है काम बन जाएगा, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। इसको अपने राशि को स्वामी को थोड़ा मजबूत देना है। क्या करना है, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, शनि के 7.5 के प्रभाव में जिस तरीके चल रहे हैं, शनि के नाम का दान पुण्य करना है और हनुमान जी की पूजा आराधना के साथ में इनको एक चीज और करना है, हनुमान जी को जो है फल होते हैं, फलों की माला अगर पहना दे तो अच्छे है, वरना किसमिस की माला पहनाने के लिए बोले 9 मंगलवार। उसके बाद अब बात करेंगे शुक्र की चीजों का जो है जितना हो सके दान करें, परफ्यूम ना लगाया करें। जब भी अपने जॉब वगैरह के लिए कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय आपने सुगंधित चीजें अपने नहीं लगानी है, कपूर वगैरह अपने ऊपर से उतार कर दान करना है जितना हो सके। ये सारी चीजें शुक्र की चीजों का अगर आप दान करेंगे और अपने जो है अपने राशि के स्वामी को, अपने लगन के स्वामी को बढ़ावा देंगे, केसर मस्तक पे लगाइए, हल्दी डालकर स्नान करिए, यकीनन जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। जय माता दी। सुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो, हेलो जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, जय महादेव। जय महादेव मैम जी। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/11 और 1989। और समय बताइए। समय मैम लगभग 8:30 करीब। 8 नवंबर 1989 जी जी। और ये सुबह का है समय? नहीं, रात का है, रात का 8:30। हाँ जी, बताइए क्या पूछना चाहती है मैम। मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कब तक लगेगी और मेरा मतलब भविष्य कैसे रहेगा आगे? आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए बात की है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी कुंडली में यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस हैं 90% चांसेस हैं, 10% जो है हम अपने राशि के स्वामी को थोड़ा सा बढ़ावा दें तो हमारे लिए अच्छा भी रहेगा। लगन में यहाँ पर जो है आपके देह जो है मिथुन राशि संचार कर रही है, राशि आपकी कुंभ है, लगन आपका मिथुन का है, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हमने बात की है कि आपकी कौन सी यानी ग्रह को हमने ज्यादा प्रभावित करना है। एक तो जो है आपके लिए अच्छा रहेगा जैसे कि दशाओं के अनुसार, अभी आपकी जो दशा चल रही है उसके अनुसार यहाँ बता दें, शनि की महादशा चली जो आपके राशि के स्वामी है तो यहाँ पर जो है शनि देव की पूजा आराधना के साथ साथ आप जो है तिल के तेल का दीपक जलाना चालू कर दीजिए और साथ ही जो है गुरुवार के दिन आपने गाय को अगर बेसन की रोटी खिलाते तो अच्छी बात है, वरना हल्दी लगाकर रोटी खिलाया करें, इससे जो है आपका गुरु और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर गुरु मजबूत हो जाएगा यकीनन आपकी जॉब के जो योग है 90% है वो 100% हो जाते हैं। ये करके देखिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। जमा दे कुशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो नमस्कार, जय महादेव। जय महादेव, नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/12/1975 और समय बताइए। सुबह 5:30 का। क्या पूछना चाहते हैं? बहुत टाइम से बहुत परेशानी चल रही है, जॉब भी छूट गई है और बहुत तकलीफों में मतलब निकल रहा है टाइम। कुशाल जी आप कहाँ जॉब करते थे? जी स्कूल में जॉब करता था। कुशाल जी आपके लिए ये चीज है कि आपने कभी अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अगर किया होता तो वो भी आपको जो है बेनिफिट हो सकता है, मगर जो है यहाँ पर जो है अभी जो दशा चल रही है वो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में यदि हम अंतरदशा की बात करते हैं, गुरु की महादशा में अंतरदशा आपकी चल रही है केतु की।
आपके लिए है कि अभी जो जॉब वगैरह जो छूटी है जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज है कि आप जो है छोटे बच्चों को हर गुरुवार के दिन जैसे केले वगैरह होते हैं वो बांटना बहुत अच्छा रहता है। केतु का उपाय करें, क्योंकि केतु और गुरु ये और मंगल ये तीन ऐसे हैं ग्रह जिनका उपाय एक ही बन जाता है तो चलता है। तो आपके लिए है उपाय ये है कि जो है छोटे बच्चों को केले आप बांटें अच्छा रहेगा, और जितना हो सके कि आप बहुत सारी चीजें जैसे गुरुवार के दिन चने की दाल होती है वो भी आप दान करें तो भी अच्छा रहेगा। अब बात करें आपके राशि के स्वामी की, बात करते हैं तो आपके राशि के स्वामी यहाँ पर मकर राशि के हैं, तो मकर राशि के स्वामी है आप जो है शनि के नाम का दान पुण्य जरूर करा करें, और साथ ही पीपल वृक्ष पे आप जल चढ़ाइए और गुरु को थोड़ा सा प्रबल बनाइए। छोटे बच्चों को गुरुवार के दिन जैसे मैंने बोला है केले बांटा करें अच्छा रहेगा, और काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाया करें। आपकी जॉब फिर से दोबारा लगेगी, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक और कॉलर है, आरती गुप्ता जी स्वागत है आपका। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1991, और समय बताइए। 3:30 PM दिन के। ये क्या पूछना चाहते हैं? इसके अच्छा जॉब कब लगेगा, शादी कब होगी, इसके भविष्य के बारे में बताइए। चलिए बेटे की शादी और जॉब दोनों के लिए आपने बात की है यहाँ पर। अच्छा बेटर जॉब, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। आपने बात की है जॉब के लिए, तो जॉब के लिए तो यहाँ मैं बताना चाहेंगे कि इसके लिए जो है 80% जो चांसेस इसके हैं वो जो है यहाँ पर, अभी आप पूछेंगे प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो यहाँ पे प्राइवेट के तो ज्यादा है मगर 80% चांसेस जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के भी हैं, कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये चीज देखते हैं अपना खुद का व्यापार भी करना चाहते हैं तो अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, वो भी इनके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे दसम भाव में मेष राशि संचार कर रही है। अगर हम मंगल की बात करते हैं, मंगल जो है यहाँ पे 11वें भाव में बैठा हुआ है, और दूसरी बात जो शादी विवाह में यहाँ पर थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। अभी इनके गुरु और केतु जो जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इनके बनते बनते काम जो बिगड़ रहे हैं उसका कारण यह आंशिक कालसर्प दोष की वजह से। एक तो जो है भोलेनाथ की पूजा आराधना कराया करें, इनको बोले कि आप चंदन का इत्र वगैरह जो है उसके मोर पंखी पर लगाने के बाद अपने पास रखा करें, जब भी जाया करें भोलेनाथ के दर्शन करके जाया करें, यकीनन इनके काम बनेंगे। पहले जॉब बाद में विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि जब भी इनकी जिससे भी शादी होगी उनके उसकी पत्नी जो आएगी उसकी जो भाग्य है वो उसके साथ जुड़ेगा, यकीन मानिए उसके भाग जुड़ने से इनके भाग और ज्यादा उज्जवल होगा। अब बताएंगे तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज के लिए। भाई यहाँ है तुला राशि वालों, आज जो है क्रोध ना करें पर किसी के आगमन मन को प्रसन्नचित कर सकता है। उपाय क्या करना है आज, आपको उपाय ये करना है काली मिर्च के कुछ दाने अपने ऊपर से उसारिए और दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दीजिए, नजर लगी होगी वो भी हट जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, शारीरिक थकावट रहेगी, मित्रों से मुलाकात हो सकती है, व्यापार व नौकरी में आपका काम बढ़िया रहेगा। उपाय ये करना है आज, अपने माथे पे अपने चंदन का तिलक लगाना है, लाल वाला नहीं चंदन का तिलक लगाइए अच्छा रहेगा। भाई बात करें हम अपनी अगली राशि धनु राशि वालों, आपके लिए आज के दिन ये कहता है कि आज परिवार वालों के लिए कुछ भी समय निकालें तो बेहतर होगा, अपने कार्य पर ध्यान दें। उपाय ये करना है आज आप जलेबी का भोग लगाकर परिवार के साथ में खाइएगा तो बेहतर हो जाएगा, मीठा ही मीठा रहेगा। भाई मकर राशि वालों आज के लिए आपका दिन क्या कहता है, कहता यह है कि आज कुछ बातों को राज रखने की कोशिश करें जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। उपाय ये करना है कि आज आप काले धागे में 8 गांठे लगाइए, उसके बाद हाथ पर बांध लीजिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी की बात है। भाई कुंभ राशि वालों आपके लिए आज का दिन क्या कहता है, कहता यह है आज मन में दुख है तो उसे बड़ों से जरूर बांटें, शायद कोई हल मिल जाए। और साथ ही आज का जो उपाय है, आज उपाय यह है कि पानी में गुड़ डालकर पीपल पेड़ पर चढ़ाएं तो मीठा चढ़ाएंगे, आपके काम काज के लिए और ज्यादा बेहतर बना सकता है। हमारी आखिरी राशि मीन राशि वालों आपके लिए आज का दिन ये कहता है, आज यात्रा थकाने वाली हो सकती है, दिन का ज्यादातर समय घर से बाहर ही बीतेगा, परेशान होना किसी मुद्दे का हल नहीं है। और आपको उपाय ये करना है 3 बार शिव अष्टक का पाठ करना है जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो ये था हमारी राशियां, उनके उपाय हमारे कॉलर मास्टर जुड़ चुके हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं क्योंकि हमारे कॉलर। हेलो गीता जी स्वागत है आपका, संगीता जी स्वागत है। हाँ जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/8/1998, और समय बताइए। हाँ सुबह सुबह 10 बजे का है जी। क्या पूछना चाहती हैं मैम? पूछना चाहती हूँ किस क्षेत्र में जाऊंगी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा? किस क्षेत्र में आप जाएंगी और भविष्य कैसा रहेगा? साथ ही यहाँ पर एक चीज मैं बता दूँ
कि आपके लिए यहाँ पर जो है प्राइवेट जॉब के क्षेत्र में आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल जो है आपके लिए अशुभ है। मंगल यहाँ पर बैठा कहाँ पे, चौथे भाव में बैठा है, मगर अशुभ होके बैठा है, तो यहाँ पर वो तो आपको लाभ बिल्कुल नहीं पहुँचा सकता। शनि बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, दृष्टि है दसम भाव पे, मगर वो भी आपको बेनिफिट नहीं दे पा रहे। अब बात करें आपकी राशि के स्वामी की, बात करते हैं कि आप जो है कन्या राशि के हैं, तुला लग्न के हैं, तो आप ऐसे में यहाँ पर आपके लिए है कि एक तो पन्ना पहनिएगा जिसके चारों तरफ जरकन हो, वो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऊपर रतन होता है वो पहन लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीजें जो है आपको जो है बता रहे हैं कि प्राइवेट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब आप बिल्कुल ना सोचिएगा, कहीं प्रिपेयर जो आप पहले से रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हमें बुध को बढ़ावा देना है, बुध हमारा अच्छा हो जाएगा तो जॉब वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। परफ्यूम नहीं लगाएंगे, कोई भी खुशबूदार चीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल ये आपको अड़चन पहुंचा सकते हैं, तो इन सब चीजों को आप जितना हो सके अवॉइड करिए और सिर्फ जो है आपने बुध को स्ट्रांग बनाना है। जय महादेव। एक और कॉलर बीना हमारे साथ जुड़ी हुई, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, लगता संपर्क, हाँ अपने दूसरे कॉलर से बात कर लेते हैं शायद। मेघा जी स्वागत है आपका। जय जय महादेव मैम। जय जय महादेव मैम। मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1980 11:55 रात को। क्या पूछना चाहती है मेघा जी? मैम मैं पूछना चाहती हूँ मैम, हमने दो बार घर लिया मेरे नाम से ही, तो दोनों बार वो घर का ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि हम लोग को देना पड़ा वापस। अभी हम रेंट के फ्लैट में रहते हैं आज 15 साल से। मैम मेरा खुद का घर कब होगा? और मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं कोई काम करना चाहूँ तो मैं क्या काम कर सकती हूँ? और मैम मैं सबके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा सोचती हूँ, और बाद में वो लोग ही मतलब उसे मुंह फेर के चले जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी के जो कहते हैं कि नेचर है, आप सिंह राशि के हैं, अपनी जो है दुख किसी को नहीं बताती, मगर जो है दूसरों के दुखों का हल भी जो है आप बताती, मगर जो है बुराई मिलती है कारण यहाँ पर। आपके लगन के स्वामी हम बात करते हैं, आप मेष लगन की है, राशि आपकी सिंह है, और यहाँ पर जो है मंगल कहाँ पे बैठे हुए हैं, छठे भाव में। यहाँ पे आपके बनते बनते काम इसलिए बिगड़ रहे हैं, आपका जो काम काज नहीं हो पा रहा है उसका कारण है यहाँ पे चौथे भाव में जो राहु बैठे हुए हैं, वो उसकी उनकी दिक्कत, यानी सब कुछ हो जाता है फिर भी हाथ से चला जाता है। ऐसे में यहाँ पर आपके लिए एक चीज उपाय है, एक तो जो है आपकी कुंडली में यहाँ पर शुक्र केतु एक साइड होने के बाद बाकी की राशियां एक साइड है, यहाँ पर कुल मिला के ये है कि जो हमारे नवम भाव का जो कालसर्प दोष है वो आपको लगा, जिसकी वजह से जो है आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और एक तो जो है हनुमान जी को आप मसूर की दाल चरणों में छोड़ के आइए, और ये बोल के आइए आपके जो है मकान वगैरह में कोई भी अड़चन ना है, और साथ ही जॉब वगैरह के लिए अभी ऐसा कोई चांसेस नहीं है, आप अपना खुद का कोई काम घर से चालू कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जॉब के लिए आप करती तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करती तो अच्छा रहता, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो सूर्य हैं वो ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहे हैं, मगर जो है अब तो समय यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मगर मैं यही कहूंगी घर से कोई काम चालू करें, मकान बनाने की कोशिश करें, अब जो मसूर की दाल है हनुमान जी के चरणों में छोड़ के, ये कामना के साथ कि आपका मकान बने और एक नई ईंट जो है किसी मंदिर में जाके छोड़ के आए। जय महादेव। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है। जय महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। मैडम मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जन्म तिथि बताइए। 10 मई 1995। 10 मई 1995 जी। समय 8 बजे जी। रात का है ये? सुबह में 8 बजे जी। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? करियर कैसा रहेगा आगे चलकर, किस लाइन में जाना चाहेगा? जी बिल्कुल, करियर के लिए बात करें, इसके राशि के स्वामी सूर्य की बात करते हैं, 25 डिग्री होके इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं और सूर्य इसके तीसरे भाव में, तो मैं तो कहूंगी इसको भी जो है, अभी सब भी पूछते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, मैं कहूंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरी है अप्लाई करें, अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर इनके लगन के स्वामी की बात करते हैं, देखिए लगन है इनका मिथुन, जो सूर्य के पास का ग्रह है बुध, और जब सूर्य दोनों साथ में होते हैं तो ऐसे में यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट जॉब की जो है चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। गणेश जी की पूजा आराधना के साथ साथ एक तो माणिक रतन या रूबी जिसे कहते हैं वो पहन ले तो बहुत अच्छा रहेगा, और भी ज्यादा बल मिलेगा। दशाओं की अगर हम बात करेंगे कि इस समय इनकी जो दशा चल रही है उसके अनुसार यहाँ पर चंद्रमा की महादशा चल रही है, शंकर भगवान पे दूध चढ़ाया करें, माँ का आशीर्वाद दिया करें, और साथ ही अपने पास कुछ चावल के दाने जो है अपने पर्स में रख लें, इनके लिए बेहतर होगा, ये करके देखिए। हम शुभकामना आपके साथ है। जय महादेव।
भाई आज का उपाय क्या कहता है? आज का उपाय ये कह रहा है कि जब देखते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, क्या है? तो हम देखेंगे शनि की दृष्टि तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके कुंडली में कुछ शनि के ग्रह की जो दृष्टि है उसकी वजह से विद्यार्थियों को सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही, तो करना क्या है? शनिदेव का, कृष्णा का करिश्माई उपाय भी बिल्कुल बताना चाहेंगे। किसी शनिवार को यदि उस दिन सर्वथा सिद्धि योग हो तो उस दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। शाम को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल जो है रेशमी सूत जो है आपने ले लेना है, नापना है, जो रेशमी रंग का जो धागा होता है वो लेना है। फिर उस पे जो है आपने एक बरगद का एक पत्ता लीजिए, पत्ता जो है आपने तोड़ने के बाद उसे धोइए, तब उस पत्ते पर अपनी कामना लिखनी है। कामना लिखने के बाद जो धागा है जो जिसको नापा है उस धागे पे उस पत्ते पे लपेट देना है। जब आप कामना लिखें तो उसमें अपना नाम जरूर लिखिएगा, किस कामना के लिए और क्या नाम है, लिखने के बाद उसको लपेट देना है और लपेटने के बाद पत्ते को बहते हुए जल में प्रभावित करना है। इस प्रयोग को सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, कामना पूर्ति होती है। ये उपाय आपने आज शनिवार तक करना है और साथ ही शनि के नाम का दान पुण्य करना है। मगर मंत्र का क्या करना है? ओम मंद चेष्टाय नमः, ओम मंद चेष्टाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए धागे को लपेट दीजिए, बहते हुए जल में छोड़ दीजिए। भाई आज का टिप्स क्या कहता है कि बच्चों के बिस्तर के नीचे कपड़े में राई और हींग और छोटा सा चाकू बांधकर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सिराने रख दीजिए। बच्चा जो रात में उठता है डरता है वो बिल्कुल नहीं उठेगा, उसको कोई सपने भी नहीं आएंगे, अच्छे से रहेगा। तो ये था आज का टिप्स और उपाय। कल एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं ज्योति सजा किस तरह कृष्ण शर्मा यही कामना करती हूँ आपका दिन रहे मंगलकारी शुभकारी। मुझे दीजिए इजाजत, जय जय महादेव।